हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे लास्ट क्लास में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका वीवीटी मॉडल, हिटलर लंदन पॉलिंग स्लेटर थ्योरी के अनुसार। तो हमने देखा कि जो वेव फंक्शन है बॉन्ड का वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ और चाहिए, दैट इज़ हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन होता क्या है? माइनस एच स्क्वायर एट पाई स्क्वायर एम ए ए के साथ एसोसिएटेड जो है डेल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम बी डेल स्क्वायर। ओके, अब जो अट्रैक्शन और रिपल्सिव जो डिस्टेंसेज हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो साथ में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी टर्म आता है तो वो इन डिस्टेंसेज पर डिपेंडेंट है। तो आप देखें कि वन अपॉन आर ए वन माइनस वन अपॉन आर बी टू माइनस वन अपॉन आर ए टू माइनस वन अपॉन आर बी वन। और ये कैसा फोर्स है? ये रिपल्सिव फोर्स है दैट विल रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग ऑफ एनर्जी, बढ़ेगी इसके कॉन्ट्रीब्यूशन से। ये कैसा है? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन आर ए बी, तो ये बढ़ाएगा। तो अगर हैमिल्टोनियन इसके लिए आप देखें तो इस तरह का होगा हैमिल्टोनियन। ओके, नाउ ये एच ए एच बी ये हमने डिफाइन किया है तो हाइड्रोजन ही। हाइड्रोजन एटम जब बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर वन इसको अट्रैक्ट कर रहा है या इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों को अट्रैक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बराबर होगी। दोनों को अट्रैक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि जो एच ए वन एच बी टू है वो एच ए टू एच बी वन के क्या होगा? बराबर होगा। और अगर ऐसा है कि इन दोनों की भागीदारी बराबर है और दोनों इलेक्ट्रॉन पे बराबर कंट्रोल है तो ये जो मिक्सिंग कोफिशिएंट है ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मिक्सिंग कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का पहले भी हमने कई बार किया है, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? अगर इक्वल है तो सी वन स्क्वायर इक्वल्स टू सी टू स्क्वायर, और मैं कह सकता हूँ सी वन इक्वल्स टू प्लस माइनस सी टू, सी वन इक्वल्स टू प्लस माइनस सी टू। तो ये बता रहा है इन फेज आउट फेज जो अरेंजमेंट है, अगर दोनों इक्वल हैं तो प्लस साइन आएगा, दोनों अगर अपोजिट हैं तो साइन माइनस आएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर जब सी वन बराबर सी टू है तब हम सिंबल लेंगे एन एस सिमेट्रिक एक जैसा है, और अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ए। साइन क्या होगा? माइनस। तो इस इक्वेशन को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब सी वन बराबर सी टू है तो हम लिखेंगे सिमेट्रिक इक्वल्स टू एन एस ये प्लस एन एस, तो एन एस कॉमन ले लें तो साई ए वन साई बी टू प्लस साई ए टू साई बी वन। दूसरा, जब वो एंटी सिमेट्रिक है मतलब साइन नेगेटिव है कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर, तब हम लेंगे ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ साइन क्या जाएगा? माइनस। तो ये हो गया साई ए वन साई बी टू प्लस साई ए टू, प्लस नहीं साइन आएगा, माइनस साई बी वन। ओके, दिस इज ओके। नाउ अब आप ये देखें कि हर वेव फंक्शन, तो दो संभावनाएं हैं, एक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक वो संभावना है जब ये बराबर हैं और सेम फेज में, मतलब जब ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो ये बॉन्डिंग की संभावना है, और ये एक तरह से एंटी बॉन्डिंग टाइप की संभावना है।
जिसमें ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में हम इनका जो ये मिक्सिंग कंट्रीब्यूशन है एनएस और एनए, ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कंडीशन लगाएं हम नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, साई एस डी टाउ इक्वल्स टू वन और साई ए डी टाउ इक्वल्स टू वन। तो साई एस डी टाउ इक्वल्स टू वन, तो आप लिखें क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ये गुणा ये डीटो। तो मैं लिखूं एन एस स्क्वायर, इसको तो ले लूं बाहर और लिखूं साई ए वन साई बी टू प्लस साई ए टू साई बी वन का ब्रैकेट स्क्वायर डीटो इक्वल्स टू वन। ओके, नाउ सॉल्व करें तो क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो सिमिलरली ये भी सॉल्व हो जाएगा एन एस स्क्वायर साई ए वन साई बी टू स्क्वायर प्लस साई ए टू साई बी वन स्क्वायर प्लस टू साई ए वन साई बी टू साई ए टू साई बी वन ब्रैकेट वन डीटो इक्वल्स टू वन। यानी एन एस स्क्वायर ब्रैकेट वन साई ए वन डीटो डॉट साई बी टू डीटो प्लस साई ए टू डीटो साई बी वन डीटो प्लस टू साई ए वन साई ए टू साई ए वन साई बी वन और साई ए टू साई बी टू। इलेक्ट्रॉन वाइज हम इसको अलग अलग कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन है उसके संपर्क में जब दोनों नाभिक हैं तो उसको एक साथ लिखेंगे, बाकी को एक साथ लिखेंगे। तो हम लिखेंगे साई ए वन साई बी वन डीटो और साई ए टू साई बी टू डीटो। तो एक खुद के साथ और एक दूसरे के साथ, तो ये किसको बता रहा है, ये अतिव्यापन को बता रहा है कि जो ये वाला है और ये वाला दूसरे वाला जो H है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है इसका ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसी के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये खुद का है और इसके लिए ये दूसरे का है, और जब इसकी बात करेंगे तो ये इसका खुद का है और ये दूसरे का है, तो ये दोनों सिमिलर फोर्सेज हैं। तो ये एक तरह से इसने इसका अतिव्यापन किया है, इसने इसका अतिव्यापन किया है, तो इसको बोला जाता है अतिव्यापन गुणांक। तो इस फैक्टर को हम देखें, यहाँ से देखें आप, ये क्या होगा, वन खुद का खुद के साथ नॉर्मलाइज होता है, ए वन ए वन वन बी टू वन ए टू वन बी वन वन। तो यहाँ से आपको मिलेगा जो सॉल्यूशन आ रहा है, देखें इसको, यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है एन एस स्क्वायर वन इंटू वन प्लस नेक्स्ट स्टेप में भी वन इंटू वन वन इंटू वन प्लस टू,
और टू जो ये भी अतिव्यापन का है, ये भी अतिव्यापन, इसको बोलेंगे, इसके लिए हमने फैक्टर रखा है एस ए बी, इसका मतलब है अतिव्यापन संकारक। अतिव्यापन मीन्स ओवरलैप और इंटीग्रल, तो ओवरलैप इंटीग्रल वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये भी ऐसे भी है और ये भी ऐसे भी है, दोनों ऐसे भी बराबर क्यों हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस एक जैसे हैं, तो टू एस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया टू प्लस वन इंटू वन वन प्लस वन टू, टू प्लस टू एस ए बी स्क्वायर एन एस स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ये जो इक्वेशन है हम जो लिख रहे थे बराबर वन, ये बराबर वन। नाउ यहाँ से एन एस स्क्वायर बराबर वन अपॉन टू प्लस टू एस ए बी स्क्वायर, या एन एस इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू प्लस टू, टू प्लस टू एस ए बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, सिमिलरली जब हम सॉल्व करेंगे ए के लिए तो देखें क्या चेंजेस होंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा और ये प्लस की जगह साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ ए आएगा, यहाँ प्लस की जगह साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ ए आएगा, यहाँ साइन जो है प्लस की जगह क्या आएगा, ये प्लस ये माइनस दिस मच। तो वहाँ से आपका जो रिजल्ट हो बनेगा वो बनेगा एन ए स्क्वायर इंटू वन प्लस वन टू माइनस टू एस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो और वहाँ से होगा एन ए इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस टू एस ए बी स्क्वायर। ओके, तो दोनों जो हमारे पास कोफिशेंट हैं मिक्सिंग, दोनों हमारे पास आ गए। तो अब जो वेव फंक्शन है उसे हम लिख सकते हैं इजीली। मैं यही इसमें अमेंड कर देता हूँ। तो दोनों वेव फंक्शन किस तरीके से लिखेंगे आप लिखेंगे साई एस इक्वल्स टू एंड साई ए इक्वल्स टू कैपिटल एस इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस टू एस ए बी स्क्वायर एंड वन अपॉन टू माइनस टू एस ए बी स्क्वायर। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले हैमिल्टोनियन लिखा था, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेव इक्वेशंस। एक जब बॉन्ड बन रहा है, एक जब बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, जब रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है। देखें आप इसको, ये मैं रब कर देता हूँ। हमने हैमिल्टोनियन जो है अभी देखा था, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो हमने हैमिल्टोनियन लिखा था एच कैप इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम ए। अब अगर ये फ्री होता, अकेला एटम होता, तो इस इलेक्ट्रॉन की ये डिस्टेंस तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, माइनस वन अपॉन आर ए वन। अगर मैं बात करूँ इस फ्री की, तो ये होता एच स्क्वायर, सॉरी माइनस एच स्क्वायर एट पाई स्क्वायर एम बी माइनस वन अपॉन आर बी टू। लेकिन जब ये इंट्रैक्शन में है तो दो फोर्सेस तो आएंगे, पॉजिटिव फोर्सेस मतलब कंट्रीब्यूटिंग या हम कहें आकर्षण वाले, तो वो तो आएंगे ए टू माइनस वन अपॉन आर बी वन, और प्लस ये रिपल्सिव फोर्सेस वन अपॉन आर ए बी प्लस वन अपॉन आर वन टू। तो हम इस हैमिल्टोनियन को तीन पार्ट में देख सकते हैं, इसको मैं बोलूं एच ए, इसको बोलूं एच बी, और ये हो गया हमारा एच वन या एच डैश जो भी। तो मैं कह सकता हूँ एच इज़ नथिंग बट,
तो ये तो जब ये कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं है, तो दो एटम अगर एक सिस्टम में रखे हैं तो उन दोनों एटम का टोटल हैमिल्टोनियन, उसकी टोटल एनर्जी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर वहाँ आ जाता है। तो अगर एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी हो तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए तरीका क्या है कि मैं इसकी बात करूं, बॉन्डिंग इसी के थ्रू है, तो साई एस एच कैप साई एस डी टाउ डिवाइडेड बाई साई एस डी टाउ। ये क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। थर्ड पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और क्वांटम में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ द सिस्टम, दैट इज रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू ऑफ एनर्जी इससे कैलकुलेट हो जाएगी। एच की जगह हम ये दोनों फैक्टर ले सकते हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, पोर्शन कॉमन आ जाएगा, जो ये वाला, तो स्क्वायर होगा इसका, दैट विल बी वन, तो इसको छोड़ दो, ये बचा, इसका स्क्वायर टर्म आ गई, तो वन अपॉन टू प्लस टू एस ए बी, ओके। और यहाँ आएगा एच ए प्लस एच बी। तो ये जो फैक्टर है ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये वाला फैक्टर हमें पता है। और जो हमें नहीं पता है या जो इंट्रैक्शन की वजह से आया है, दैट इज साई एस एच साई एस स्टार डेटा एच वन। एच एच बी का सॉल्यूशन, ये जनरलाइज सॉल्यूशन वैसे आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। मान लीजिए ये आर्बिट्रेरीली ये क्या है, कोई वाई, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज वाई। तो यहाँ से जो फैक्टर बनेगा और जो एच ए एच बी हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा, ई ए ई बी। एंड सेकंड थिंग कि ई ए भाई ए का सॉल्यूशन, ई ए एच बी का सॉल्यूशन, सॉरी एच बी का सॉल्यूशन ई बी, रियल वैल्यू जो आएगी ये मानते हुए, जो एटम की हमने पहले हाइड्रोजन एटम के लिए देखी थी उसी को ले रहे हैं, ठीक है। तो ई ए ई बी, नाउ ई ए बराबर क्या होगा ई बी, क्योंकि दोनों एटम क्या है, एक जैसे हैं, तो इसको हम दे सकते हैं बराबर ई। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ ई टू ई अपॉन टू प्लस टू एस ए बी प्लस साई एस एच वन साई एस स्टार डेटा। तो ये जो फैक्टर है, ये टू कॉमन ले लें आप, तो यहाँ से हो जाएगा वन प्लस एस ए बी स्क्वायर, स्क्वायर है, टू टू कैंसिल। तो एनर्जी जो है हमारी ई इक्वल्स टू हो गया ई एनर्जी ई टी, ई टोटल एनर्जी इस सिस्टम की, ई टी इक्वल्स टू ई अपॉन वन प्लस एस ए बी स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी है इसमें या तो जुड़ेगी या घटेगी। अगर बॉन्ड बन रहा है तो एडिटिव होगी और सॉरी नेगेटिव होगी, और अगर बॉन्ड टूट रहा है, मतलब ये फैक्टर बड़ा है तो यहाँ साइन माइनस का आएगा, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। और अगर प्लस का आता है, ऐड होती है, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज, बॉन्ड नहीं बनेगा, रिपल्शंस होंगे, मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, ये सिस्टम इतना ही रह जाएगा। सो इसकी मान लो वैल्यू कुछ भी आती है क्यू, तो हमारा जो रिजल्टेंट एनर्जी है दैट विल बी दिस प्लस माइनस क्यू। तो जो स्टेबिलिटी आप अगर कर्व देखेंगे इसका, तो आपको वही कर्व, इस तरह का कर्व यहाँ देखने को मिलेगा कि एक ऐसी पोजीशन है जिस पे एनर्जी क्या हो रही है, मिनिमम मिल रही है, और उस मिनिमम एनर्जी पे, उस मिनिमम एनर्जी पर जो है ये पोजीशन है,
और यहाँ फैक्टर क्या होगा, इतना स्टेबलाइज हो गया है सिस्टम, इतना स्टेबलाइज हो गया। और इसके लिए अगर आप वेव फंक्शन देखेंगे तो वेव फंक्शन होगा साई एस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थ्रू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, थैंक यू।